मराठवाडा असोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड समाज आणि शास्त्र अंध समाज आणि समाज यातील दुवा व शासन आणि अंध समाज यातील दुवा म्हणून आम्ही काम करत असतो। समाजाकडे शासनाकडे अंधांच्या विविध समस्या सांगून त्यांची मदत घेऊन त्यांचं सहकार्य घेऊन आम्ही सोडवत असतो। आज अंध दिनानिमित्त या दिवशी पांढरकाठीचं आयोजन केलं, याची रॅली या भवन मधून निघाली, कलेक्टर ऑफिस कार्यालय समोर गांधी पुतळ्याला वंदन करून वजिराबाद चौकातून सरळ शिवाजी महाराजाला वंदन करून परत इथे आली। इथे अंधांना भानुशाली समाज यांच्या वतीने पांढरकाठीचं आयोजन वाटप करण्यात आलं। जेव्हा या पांढरकाठीचं वाटप करण्याचं काम आम्ही भानुशाली समाजाकडे गेलो चिमनबाईकडे, तेव्हा चिमनबाईंनी ही सर्व जिम्मेदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि सर्वांना भोजन सर्वांना या काठ्या या इथली सगळी व्यवस्था व्हॉलेंटरी हे सगळं काम हाती घेतलं आणि त्यांनी आम्हाला आमच्या कुटुंबामध्ये जे प्रेम मिळत नाही ते प्रेम भानुशाली समाजानं आम्हाला दिलं, एवढं मला या निमित्त सांगायला। धन्यवाद। दुलिया ये बाजू आदिवासी एरिया में हमारे वडील श्री धर्मसिंह बाबा के आशीर्वाद से हमारा कार्य वहाँ चलते रहता है। जो भी अंग सारा है वहाँ पे कपड़े बच्चों के ट्रेनिंग के लिए कुछ जो सिलाई मशीन और अलग अलग टाइप के फूड्स हर आश्रम सारा को हमारे परिवार की तरफ से जाता। भानुशाली समाज ये गुजराती समाज का एक पार्ट है और जो हमारे वडील है चिमन भाई वो गुजराती शिक्षण संस्था के 24 साल तक अध्यक्ष रहे, अभी रिटायर होने से वो कार्य को ये तो हम तो उनको बोले और आप रहो, लेकिन उन्होंने बोले अभी नए पीढ़ी को काम देना चाहिए। जब इन्हें अध्यक्ष बने जब स्कूल की संख्या 700 थी, आज 4,500 विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनका कार्य जो है जो भी आदिवासी आश्रम खड़ा है जहाँ जहाँ स्कूल है और जो गरीब विद्यार्थी है उनको भी आज इनकी तरफ से गणेश पुस्तक का दिया जाता है। और जो भी महिला है कोई भी समाज की रहो तो जो सिलाई का है जो उन्होंने शिक्षण ले लिए दर्जी का काम सीख लिए तो उनके परिवार के तरफ से आज भी सिलाई मशीन फ्री कोई भी समाज के रहे तो दिया जाता है। और जैसा भी आज सिंधे साहब ने बताया कल हमारे पास आए तो आज की जो व्यवस्था है खाली व्यवस्था करके नहीं कि भाई चलो तुम आचारी लगा दो, लेकिन हम परिवार के जैसा उनके साथ कल से जुड़े हैं। रात को आने के बाद सबका रिसीव करना, सवेरे सबको चाय पानी नाश्ता जो स्नान करने उनके लिए सब व्यवस्था और दोपहर का खाने का व्यवस्था भी हमारे तरफ से किए परिवार के तरफ से भानुशाली समाज के तरफ से किए गए। और अभी जो आज इन्हों बोले कि भाई हमारे को ऐसा स्टॉल लगाने गए, जो भी महिला अंध महिला या भाई म्यूनसिपालिटी के तरफ से इनको स्टॉल मिल गए, ये प्रोसीजर अभी सिंधे साहब खुद नगर पालिका में रहने वाले है तो उसके लिए कौन सा बिजनेस करने का है उनका निवाह हो सकता, क्योंकि हम बिजनेस व्यापारी आदमी है तो उनके स्टॉल मिलने के बाद कौन से एरिया में स्टॉल मिल रहे तो उसके लिए रॉ मटेरियल या दुकान में जो भी उनको रोजगारी के लिए उपलब्ध कराने का है वो जिम्मेदारी हम भानुशाली समाज के तरफ से लेते। और आज के अन्य दिन निमित्त काठी वाटप का जो कार्यक्रम हुआ और हमको सेवा करने का ये एसोसिएशन ने मौका दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र।